श्रेष्ठा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी NETS 2022 में जो पेपर हुआ था सोशल स्टडी का, उसका मैं पूरा पेपर लाया हूँ जिसमें 25 प्रश्न पूछे गए थे आपके सोशल स्टडी से। तो मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, आप लोग इसे रोक करके भी देख सकते हो। बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत जो है आप बड़े वीडियो बनाते हो, तो इसलिए आपको देखना अगर है तो आप मेरे साथ इनके आंसर एक बार जरूर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज को संसाधन बनाती है? तो ये बच्चों होता है मूल्य, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मूल्य जो है वो किसी चीज को संसाधन बनाती है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो जो तकनीकी बच्चों होती है ये कभी भी जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित नहीं करती। तो यहां से चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता, कुछ मुख्य कारकों पर मानव संसाधन की उत्पादकता से बात कर रहा है, वृद्धि होती जो नीचे दिए गए हैं। एक विकल्प ऐसा है जो मानव संसाधन में जो है इनका उत्पादकता में जो वृद्धि में कारण नहीं है, तो वो होगा बच्चों जनसंख्या, बाकी सभी जो है कारक रहेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन किसी एक मात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है? तो ये बच्चों है दिल्ली, दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। बाकी यहाँ पर चंडीगढ़ हो चाहे पांडिचेरी हो दमनदीप, इनमें अपना नहीं है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा? तो ये होता है बच्चों गणराज्य यानी ऑप्शन 3, यहां से हम लोग चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की आवश्यकता पर बल यानी जोर देने वाला व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे, जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सम्मान कौन सा था? उस समय जो सबसे बड़ा पुरस्कार था सेवाओं के लिए वो होता था नाइट हुड, पद्मश्री। तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, अशोक चक्र भी तो आप लोग सभी समझते ही हैं। तो यहाँ से नाइट हुड हो जाएगा जो कि चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्म गुरु और समाज सुधारक हैं? तो मैं इनके ऑप्शन पढ़ता हूँ फिर आपको आंसर बताता हूँ। पीछे जो मैंने प्रश्न पढ़ा था वो था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्म गुरु और समाज सुधारक थे? तो इनका नाम था श्री नारायण गुरु, यानी यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए यहाँ से प्रश्न आपको, तो ये है इंग्लिश का वर्ड, ये इंग्लिश से लिया गया, तो ऑप्शन पहला वाला सही होगा। जिस प्रकार की खेती से काफी गन्ना तंबाकू चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वो कौन सी जो है मिट्टी या कौन सी विधि से ये किया जाता है? तो चाहे आप जितनी भी ऊपर देखते होंगे, काफी है, गन्ना है, तंबाकू चाय, ये सब रोपण विधि यानी मतलब पहले पौधे को बोकर फिर दोबारा इन्हें लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं रोपण विधि। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था? तो इसमें कौन उसको लगाया जाता था? राजद्रोह अधिनियम 1870। तो यहां से ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में लगाइए, यानी पहले कौन घटना घटी, फिर उसके बाद कौन घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से देखोगे तभी जा करके इन प्रश्नों के आप लोग आंसर लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 62 में देखते हो तो यहाँ से
देखिए, सबसे पहला जो आपका आता है ये शस्त्र अधिनियम, ये 1800, ये आपका 1878 में लागू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद था बंगाल का विभाजन, ये 1905 में हुआ था बच्चों, तो आप 1905 याद रखिएगा। फिर रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। अब आपको डेट याद करनी पड़ेगी, तो ये था 13 अप्रैल को बच्चों, ठीक है, 13 अप्रैल थी। और जो रॉलेट एक्ट आया था ये 6 अप्रैल था, तो 6 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद तो ये आपके सारे हो गए, चौरी चौरा कांड जो है वो उसके बाद में हुआ था। तो आप इनको अगर ऑप्शन वाइज लगाओगे और यहाँ देखोगे, तो जो आपका यहाँ से ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा तीसरा वाला, BDECA, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। अगला है, आजकल कोई सरकार अपने को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह आगे डेड डेस को स्वीकृत नहीं करती। इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने की अनुमति हो। उपयुक्त शब्द में जो वर्ड छोड़ा गया है वो क्या चुना जाना चाहिए जिससे आपका जो है आंसर सही हो। तो हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यहां से तीसरा वाला ऑप्शन वहां पे आपको भरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, इस प्रकार की खेती में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक मतलब स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो इस पर कौन सा प्रश्न बनेगा? मैं आगे पढ़ता हूँ, एक प्रश्न मैं पुनः पढ़ देता हूँ। इस प्रकार कि कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते, ऐसी गतिविधि जलवायुविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक और बकरियां पालते हैं, ऐसे कार्य को पहचानिए। यानी ऐसा जो कार्य है वो कौन सा कार्य करते हैं? व्यापारिक खेती, निर्वाह खेती, ना चलवासी पशुचारण, यानी यहाँ से ऑप्शन जो है इसका तीसरा वाला बच्चों सही हो जाएगा। और आप यहाँ से तीसरा वाला प्रश्न चूज कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 65 की। अब 65 में पढ़िए, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है? यानी धर्मनिरपेक्ष के लिए बहुसंख्यक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों को अपने धर्म का पालन करने से रोकना, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, सरकारी विद्यालय में किसी एक धर्म के, ये भी नहीं हो सकता। कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे समुदाय पर हावी नहीं होता, ये भी आंसर आपका सही होगा। चलिए मैं आगे भी पढ़ लेता हूँ। डी, बहुसंख्यकों की निरंकुशता का अभ्यास, ये भी नहीं हो सकता। राज्य किसी धर्म विशेष को लागू नहीं करता। तो इसमें सी और ई दोनों उत्तर सही हैं, तो सी और ई यानी दूसरा वाला आंसर आपका सही होगा। थोड़ा सा अगर आप संविधान को कई बार पढ़ेंगे, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे मिलते हैं जिन्हें आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। अगला है, घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी पहला है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद राजा के परिवार को लाल किला से बाहर ले जाया जाएगा और उन्हें दिल्ली में दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। दूसरा था, कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और उन्हें भूमि तथा संपत्ति रखने के लिए अनुमति दी गई। एक नव युवक सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के कारण फांसी दे दी गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए और वहाँ बहुत से जनजाति एवं किसान नेताओं के सहयोग से छापा मारित गोरिल्ला वार जारी रखे, बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। तो ये पूरी जो आप घटना यहाँ पर देख रहे हैं, ये घटना क्या होगी? तो इस जो घटना का आप पूरा स्वरूप बनेगा बच्चों, वो मिला लीजिएगा, ये होगा BACD, यानी ये क्रम है, पहले बी घटा है, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो अगला आंसर जो होगा उसको आप यहाँ से लगा लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। ये जो भी प्रश्न है ये सब आपको NCERT की बुक से मिलेंगे, इसलिए सलाह देते हैं कि आप लोग NCERT बुक्स को एक बार जरूर देख लीजिए। एक किराएदार जिसे
जिसे घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया है, अपने मकान मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा सकता है। आपराधिक कानून, नागरिक कानून, और अगला है आपका सामाजिक कानून और आर्थिक कानून। तो देखिए, आर्थिक और सामाजिक नहीं है, नागरिक कानून के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेवारी किसी एक एक किसी को जरूर लेनी चाहिए। यहाँ किसी का अर्थ क्या है, यानी ये किसके लिए है? तो ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य केवल और केवल सरकार का होता है, तो यहाँ से आप ऑप्शन सी लिया जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न 69, काफी बड़ा प्रश्न है। नीचे एक और दो सूची दी गई है जिसका मिलान करना है। एक तरफ आपको व्यक्ति दिए हैं, दूसरे तरफ उनके द्वारा कुछ स्थापित संस्थाएं हैं जिनको यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप मिलाओगे तो थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ जिससे आप सारी चीज़ यहाँ पर देख पाओगे। अब अगर मैं राजा मोहन राय को देखोगे तो ए वाला ये सेकंड की ओर इंगित करता है, ये ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ये जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, तो फर्स्ट हो जाएगा। सैयद अहमद खां, तो इन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ऑप्शन बी वाले को लगा लीजिए, जो कि आप मैंने बताए हैं वो आपको मिल रहे हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब कथन देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर कथन है। जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार उन्हें उपलब्ध कराने पर इनके लाभ को बहुत सारे लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। दूसरा इसका कथन है, सरकार निजी कंपनियों को कुछ जन सुविधाएं उपलब्ध कराने को कह सकती है, जैसे सड़क बनाने का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया जाता है। हालांकि सरकार को इस पर बारीकी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार इन सुविधाओं पर उचित दर आगे। और क्या हो सकता है इस प्रश्न में, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ जिससे आप इसे थोड़ा सा पर तथा ठीक तरीके से पूरी जनता के लिए पूरे करें। उपरोक्त कथन में क्या लोग नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको चूज करना है। क्योंकि इसके उत्तर आपको देखिए आगे दिए गए, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ और सही उत्तर बताता भी हूँ। तो इसमें जो कथन था उसके अनुसार कथन एक और कथन दो दोनों ही सही थे, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 1878 ई में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। दूसरा कथन, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को शांत कराने के उद्देश्य से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है और क्या इसका आंसर ले सकते हैं? कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन जो है यहाँ पर तीसरा वाला आपका सही होगा, तो यहाँ से हम तीसरे वाले कथन को चूज कर लेंगे, मतलब आंसर को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम ताप एवं वर्षा तथा फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। तो इसी के संदर्भ में दूसरा कथन है कि जूट सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यूके और मिस्र पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में दोनों जो उत्तर आपको दिए गए हैं उन उत्तरों को आपको चुनना, जैसा कि आपने प्रश्न यहाँ पर देख लिया, अभी इसके हिसाब से आपको इसका आंसर चूज करना। तो इसका आंसर जो है तीसरा वाला सही होगा, जो है तीसरा वाला। पहला कथन सत्य लेकिन दूसरा वाला असत्य, उसे आप एक लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किन तीन प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये मुंबई आपका मुंबई है, कलकत्ता और मद्रास में हुई थी। तो बी डी ई जहाँ पे सही होगा वही वाला आंसर आपका सही होगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आंसर आपका ए वाला बच्चों सही होगा, जिसे हम ए कर देते हैं। अगला, सूची एक और दो में मिलान आपको करना है। तो आप यहाँ से जब इनका मिलान करोगे, साल और जो महुआ है वो तेल इससे निकाला जाता है, ठीक है। कुल
कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि दोबारा उपजाऊ हो सके। तो उपजाऊ होने के लिए से प्रति जो जमीन होती है इसके लिए किया जाता है। अगला है तीसरा, झारखंड का वह स्थान जहां संथाल रेशम कीट पालते हैं, तो ये स्थान है आपका हजारी बाग में। अगला, एक जगह ठहर कर रहने वाली सभ्य जातियां, तो नीचे तो जो डी वाला है उसका तीसरा वाला सही होगा, गोंड और संथाल। तो मैंने आपको मिलान तो करा ही दिया है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए वाला मिल रहा है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं आज के अंतिम प्रश्न पर कि भारत में ब्रिटिश राज्य के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों को पहचानिए। तो यहाँ पर जो ए आपका मद्रास और मुंबई और डी कलकत्ता, नीचे इसको सही आंसर लगाना, वही क्वेश्चन को इन्होंने पुनः रिपीट टाइप का किया है। यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर है, देखिए दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो आज ये प्रश्न कैसे थे, आप इन प्रश्नों को देखिए और अपने प्रैक्टिस अच्छी कीजिए। कल मैं आपको जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको लेकर के आऊंगा, इसके बाद 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर के आऊंगा, उसके बाद फिर हम सभी मॉडल्स पेपर हल कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आपको मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में।